हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस की और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आपके मार्च और अप्रैल के मंथ में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें ये पूछे गए हैं तो आप ये देख सकते हो रिसेंटली जो आपसे पूछे गए क्वेश्चंस हम उनको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में सो so, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन को प्रेस कर दो सो so, दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे वैसे तो मैं वीडियो छोटी रखने की कोशिश करूंगी अगर फिर भी लॉन्ग हो जाती है तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिए क्योंकि मुझे ये वाला मार्च एंड अप्रैल का जो ये क्वेश्चन पेपर सीरीज है ये दो पार्ट्स में कंप्लीट करना है एच का तो उसके अकॉर्डिंगली ही तभी होगा अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वीडियोज़ में ठीक है सो फर्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश इन हिमाचल प्रदेश अंडर एरिया अंडर फॉरेस्ट इज तो कितना है आपका एरिया अंडर फॉरेस्ट तो आपका पता होना चाहिए आपका थर्टी सेवन थाउजेंड थर्टी थ्री किलोमीटर स्क्वायर आपका जो एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट है So, इस से आपका सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव टू परसेंट जो है हिमाचल का एरिया वो क्या है अंडर फॉरेस्ट कवर है बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की द पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्र किलोमीटर ऑफ एच पी एज़ पर सेंसेस ऑफ 2011 थाउजेंट इज बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घन घनत्व कितना है तो आपका ये होना चाहिए वन टू थ्री वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट है, है हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर तो कब बना था आपका किस वर्ष में बना था आपका ये पार्ट सी राज्य तो वो बना था आपके नाइनटीन फिफ्टी वन में बहुत इजी से क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन चंबा सॉरी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी एरिया वाइज तो एरिया वाइज़ कौन सा है आपका लाहल स्पीति है और सबसे छोटा कौन सा है आपका हमीरपुर है बहुत जल्द मैं आपके लिए ये लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाला जो है वो वीडियो बनाने वाली हूँ नेक्स्ट है आपका देहर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश तो ये किस है आपकी ये आपके ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है Take care. नेक्स्ट है आपका रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है नेक्स्ट है आपका द कैपिटल द फर्स्ट कैपिटल ऑफ केहलो डोमियन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज लोकेटेड एट विच प्लेस सी अगर आपने मेरी प्रिंसली स्टेट वाली जो वीडियोज थी वो देखी होगी तो उसमें हमने बहुत क्लियरली ये क्वेश्चन किया है तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो सी नैना देवी रहेगा ठीक है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपके क्या है प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड ही है तो लास्ट रूलर ऑफ जसवान प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉस तो कौन था आपके उमेद सिंह थे ये भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था हमने कैपिटल फिर उसके बाद हमने लास्ट रूलर और फाउंडर जो थे उस पर्टिकुलर डोमिनियन के हमने वो डिस्कस किए थे उस प्रिंसली स्टेट के तो अगर हम बात करें जसवान ओल्ड नेम किसका था ये आपका उन्ना का ओल्ड नेम है ठीक है एंड इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो ये पूरव सिंह थे पूरव सिंह ने क्या किया था पूरव सिंह ने आपके ये जसवान जो आ, क्या बोलते हैं प्रिंसली स्टेट है उसको इस्टेब्लिश किया था और इसमें कौन सी ईयर में किया था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक देख नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है तो आप उसको पक्का देख लीजिए ठीक है बात कर लेते हैं नेक्स्ट है आपका सब बात वॉज़ फाउंडेड इन विच ईयर तो कौन सी ईयर में ये फाउंडेड था ये फाउंडेड हुआ था आपका 1841 में बी बी विल द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश तो कहाँ है ये आपके जुब्बल में है शिमला डिस्ट्रिक्ट में है नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच एक्सपीडेशन महमूद गजनवी प्लंडर्ड द कांगड़ा फोर्ट ये हमने पहले भी डिस्कस किया है किस राजा के टाइम में ये किया गया था एक क्वेश्चन वो भी बनता है तो इसका जो आपका राइट right आंसर रहेगा वो फोर्थ रहेगा ठीक है नेक्स्ट है आपका आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ये वाला भी हमने कवर कर दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला भी हमने पूरा कवर कर लिया और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आंध्रा तो सबसे पहले ही हमने डिस्कस किया था तो आंध्रा कहाँ है आपकी शिमला में है ठीक है कौन से रिवर पर ये फॉल करता है आपके यमुना रिवर पर ये फॉल करता है ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए यमुना इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट है अभिलाषी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश तो कहाँ है ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है आपके कहाँ है मंडी डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट आपका है इन हिमाचल प्रदेश घुगती इज अ तो क्या है घुगती एक फोक डांस है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस डिस्ट्रिक्ट का ये फोक डांस है ठीक है नेक्स्ट है मार्कंडा फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश तो आपके जो ये मार्कंडा उत्सव है कहाँ मनाया जाता है या आपके जुखाला में मनाया जाता है कहाँ मनाया जाता है जुखाला में सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन तो कब सेलिब्रेट करते हैं हम फिफ्टीन अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोटधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी तो कोट ग, 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 कोट धार कहाँ है आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांगी वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी तो पांगी कहाँ है आपको पता है ये चंबा में लोकेटेड है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था नेक्स्ट है आपका नदान इज सब डिवीजन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट तो किस डिस्ट्रिक्ट की आपकी नदान जो है वो सब डिविजन है तो आपको ये पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की है ठीक है नेक्स्ट है आपका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड इज तो जो सबसे प्राचीन लोक तंत्र कहाँ है आपका मलाना में है सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट अर्बन सेटलमेंट इन हिमाचल प्रदेश तो सबसे बड़ी शहरी बस्ती कहाँ है आपकी शिमला विल बी द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट है आपका द हेड क्वार्टर्स ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज ऑफ एच पी इज द कहा है ये आप इस में इसमें कल्पा का आपको ऑप्शन में दिया गया है डी नन ऑफ है तो इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ तीजों होगा क्योंकि वो कहा है रिकॉर्ड पीओ में है आपका पीओ में है आपका क्या किन्नौर का हेड क्वार्टर ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑन विच रिवर इज सिचुएटेड द टाउन ऑफ चंबा तो चंबा किस रिवर पे है इसे आपको याद रखना है जब हमने ये टाउन्स डिस्कस किए थे या जब हम रिवर वाली वीडियो डिस्कस करेंगे ठीक है जब हम रिवर वाली वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम इसको भी इंक्लूड करेंगे अच्छे से और जब भी हम आपको याद है हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट आ, जो डिस्कस किए थे उसमें हमने बात की थी चमेरा की ठीक है चमेरा ठीक है जो मेरा और ये कहाँ है आपका जो मेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट कहाँ है आपका ये है आपका चंबा में ठीक है आप देख सकते हो मैंने आपको उस टाइम भी बोला था चंबा अच्छा मेरा से आपको चंबा याद रखना है ठीक है स्टार्टिंग स्टार्टिंग से आप अच्छे से याद कर सकते हो उसको तो, तो आपको याद रखना है और आपको ये भी पता है कि चमेरा आ, कौन सी रिवर पे जो ये प्रोजेक्ट है वो बेस्ड है वो आपके रावी रिवर के ऊपर बिल्ट है ये प्रोजेक्ट ठीक है तो वैसे ही आपको याद रखना है कि चंबा जो टाउन है वो किस रिवर के उस पे साइड पे है तो वो आपके रिवर रावी के आ, बैंक पे सिचुएटेड है ठीक है बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन Gaiti Theatre was opened. इन शिमला बाय ब्रिटिश इन विच ईयर तो कौन सी ईयर में आपके ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1887 एटी सेवन एटी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका ओल्ड नेम ऑफ नूपुर इज तो हमने इस पर भी एक पूरी वीडियो बना दी है तो नूपुर का ओल्ड नेम हमने अच्छे से डिस्कस किया था आपका धमेरी है ठीक है नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एच पी यू तो कौन आपके एच पी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे तो आपके वो थे डॉक्टर आर के सिंह इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज आपका इंडियन पैशर इंस्टीट्यूट इज located एट विच प्लेस इन एच पी तो कहाँ है वो आपके कसौली में है ठीक है बहुत जल्द मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं आपके जैसे यूनिवर्सिटीज़ होगी इंस्टीट्यूट्स हो गए यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है हमने छः वीडियोज ऑलरेडी बना दी है एच की एंड आगे जो है हम बनाने वाले हैं जो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं बहुत इजी इजी से आप बोल सकते हो वन लाइनर्स है जो पूछे जाते हैं हम इस पर वीडियोस बना रहे हैं और टेबलेट फॉर्म में वो वीडियोस बन रही है अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका थियोर जो आपका पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन और हमने डिस्कस भी कर लिया है बहुत बार इसको एंड उस प्रोजेक्ट जो आपके सिटी वाली वीडियो उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया था तो लाहौल स्पित इज दी करेक्ट आंसर तो मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगी नेक्स्ट है हु रोड दो बुक पहाड़ बेगाने नहीं होंगे तो किसने लिखी थी आपकी डॉक्टर सॉरी ये आपकी लिखी थी शांता कुमार जी ने ठीक है क्वेश्चन है आपका कुफरी जीवन कुफरी ज्योति आर दराइटीज ऑफ तो आपको बहुत पता बहुत अच्छे से पता है कि आपके कुफरी में किस चीज़ का सेंटर है आपका पटाटो का रिसर्च सेंटर है तो आपको पता होना चाहिए कुफरी में अगर पटाटो का है तो वहाँ पर आपको जो कुफरी जो वर्ड एसोसिएटेड है वो वर्ड आपके पटाटो के साथ ही एसोसिएटेड रहेगा फिर तो ए पटाटो इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आपके महिमा लाइब्रेरी इज लोकेट एट विच प्लेस इन एच पी सो ये नाहन में लोकेटेड है नेक्स्ट है विच फेस्टिवल ऑफ लाहल इज़ पैरल टू दिवाली मतलब दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया जाता है तो वो कौन सा है हल्दा फेस्टिवल है ठीक है सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है विच प्लेस इज़ नोन एज मिनी लहासा कल ही हमने इसमें एक वीडियो बनाई थी जिसपे हमने उसको डिस्कस किया था जो आपके ये पॉपुलर ने, नेम्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड जो प्लेसेस के नेम्स थे हमने उस पर वीडियो बनाई थी तो उसका जो राइट आंसर रहेगा मैकलोडगंज अगर आपको मैकलोडगंज ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो धर्मशाला इसका राइट आंसर रहेगा So so सो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दिस डिस्ट्रिक ऑफ एच पी तो इसका जो आपका आंसर है किन्नौर और लाहौल स्पिति दोनों में ही ये सेलिब्रेट किया जाता है तो सी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आपके सलोंग एंड आपका मनालासू आ द ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर ऑफ एच पी तो ये किसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं आपकी ये ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ है ए इज़ द करेक्ट आंसर और ये कहाँ आपके ब्यास रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, में फ्लो करती है आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में फ्लो करती हैं एंड आपको इसकी और ट्रिब्यूटरीज़ के नाम बता दूँ मैं तो सेंज तीर्थन पार्वती ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट है आपके मोलांग वैली इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपके मोलांग वैली ये है आपके लाहौल स्पीति में इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका विधानसभा फर्स्ट विधानसभा पूछा गया है इलेक्शन इन एच पी हेल्ड कब हुए थे आपके तो नाइनटीन फिफ्टी वन में हुए थे ठीक है फर्स्ट विधानसभा पूछा गया है याद रखना नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी हाईएस्ट हाइस्ट अर्बन पॉपुलेशन एज़ पर देंसर ऑफ टू थाउजेंड तो आपको पता है किसकी है उत्तम शहरी जनसंख्या आपकी किस डिस्ट्रिक्ट की तो आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट की है नेक्स्ट है आपको बताना है कैपिटल ऑफ एंशंट कुल्लू प्रिंसली स्टेट वॉज ऐट द तो कहाँ थी वो व नगर में थी अगर आपने वो वीडियो देखी है प्रिंसली स्टेट वाली बहुत ईजीली आप इसको आंसर कर सकते हो एंड मैंने जो नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं सारे जितने भी नोट्स थे छः वीडियोज़ को वो मैंने अपलोड कर दिए हैं है। तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आपको टेबलेट फॉर्म में ये सारा डेटा दिया गया है जो मैं आपको बोल रही हूँ ठीक है नेक्स्ट है द लास्ट रूलर ऑफ कुन् डोमियन ऑफ एच पी व तो आपके कौन थे लास्ट रूलर ये थे हरदेव सिंह ए विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका कसौली वॉज फाउंडेड इन विच ईयर तो कब फाउंड हुआ था आपका कसौली तो 1841 में आपका कसौली फाउंड हुआ था बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मलौन फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एच पी तो कह, कहाँ लोकेटेड आपका मलॉन फोर्ट वो नालागढ़ में लोकेटेड है डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है आपका गुरु गोविंद सिंह विजिटेड मंडी इन विच ईयर तो कौन सी ईयर में उन्होंने विजिट किया था उन्होंने किया था एटी में सिक्सटीन एटी फाइव एटी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट बात कर लेते हैं इटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एच पी तो आपके जो है ये कहाँ कौन सी प्लेस में है आपकी ये पारू साहिब में है मैंने आपको इसका डिस्ट्रिक्ट बहुत बार बताया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये तो आप डिस्ट्रिक्ट कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में ठीक है बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन है so आपका जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एच पी आपको बतानी है तो ये क्या रहने वाली है आपकी थर्टी डिग्री ट्वेंटी टू मिनट्स टू थर्टी थ्री डिग्री ट्वेल्व मिनट नॉर्थ एंड सेवेंटी फाइव डिग्री फोर्टी सेवन मिनट टू सेवेंटी नाइन डिग्री फोर मिनट ईस्ट रहने वाली है तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है आपका सेक्स रेशियो ऑफ एच पी एज पर देंसेस ऑफ टू थाउजेंड इलेवन तो क्या रहने वाला है वो नाइन सेवेंटी टू रहने वाला है नेक्स्ट है आपका विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एच पी तो लार्जेस्ट पूछा है आपसे आर्टिफिशियल पूछा है तो आर्टिफिशियल कौन सी है आपकी इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो डी नन ऑफ दिस रहेगा क्योंकि आपकी कौन सी है गोविंद सागर लेक जो है वो है आपकी आर्टिफिशियल लार्जेस्ट लेक ठीक है और रेणु का क्या है नेचुरल नेचुरल लेक है आपकी ठीक है लार्जेस्ट नेचुरल लेक क्या है आपकी रेणुका है बहुत जल्दी लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट पे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ एंड जो भी है मैंने आपको पहले भी बताया तो उस पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ नेक्स्ट है आपका गौरी देवी का टिब्बा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है नेक्स्ट है आपके भोजरंग सब डिविज़न इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी तो कांगड़ा मंडी उन्ना दी नन ऑफ तीज तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो डी नन ऑफ तीज रहेगा क्योंकि ये क्या है ये आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की सब डिविज़न है ठीक है जंग जो है आपकी ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट उसकी आपके क्वेश्चन की फुलज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सेलिब्रेट किया जाता है या आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट आपका डोंगरी फेयर इज़ सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ एच तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सेलिब्रेट किया जाता है या आपके ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है ये मेला ठीक है नेक्स्ट आपका यंगेस्ट गर्ल ऑफ एच पी टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज तो कौन थे ये डोलमा थी तो डोलमा दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ एच पी तो कौन है आपको पता होना चाहिए कौन है आपके वीरभद्र सिंह हैं आपको ये बताना है वो कितनी बार सॉरी सी एम बन चुके हैं ठीक है चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं नेक्स्ट है इन द बैटल ऑफ नियर दी शाहपुर ठीक है सेवनटीन एटी सिक्स ए डीज राजा संसार चंद टू ऑफ कांगड़ा डिफीटेड विच ऑफ़ द फॉलोइंग तो किसको को उन्होंने डिफीट uh, किया था उन्होंने राज सिंह को डिफीट किया था सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका लॉर्ड मायू विजट शिमला इन विच ईयर तो कौन सी ईयर में उन्होंने विजिट किया था शिमला एटीन सेवेंटी वन में ये सारे जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि एक तो ये रिसेंटली पूछे गए हैं एंड जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे ठीक है सो so, आपको ये अच्छे से रिवाइज करने हैं नेक्स्ट आपका हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वॉज फाउंड इन विच ईयर तो कौन सी ईयर में ये फाउंड हुई थी तो ये हुई थी आपकी 1946 में डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एच पी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तो आपके कौन थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर वो इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट है आपका न्यूगल जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपके किस उस पर कंस्ट्रक्टेड है इस रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है आपके तो ये रिवर ब्यास पे कंस्ट्रक्टेड है सी विल बी द करेक्ट आंसर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एच पी तो कहाँ है ये आपके ये है आपके शिमला में ठीक है लास्ट क्वेश्चन इसकी बात कर लेते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक रिपोर्टिंग इंडिया तो आपके प्रेम प्रकाश जी इसके क्या हैं राइटर हैं ठीक है सो so, ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मार्च से अप्रैल मंथ में पूछे गए हैं ये आपका पार्ट वन है पार्ट टू मैं जल्दी लेके आऊंगी ठीक है ये पार्ट वन है अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच